हेलो दोस्तों, तो आज हम कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग करेंगे जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही वायरल चल रही है। अगर आपको भी अपना फ़ोटो लगाकर कुछ इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले आप इसका पूरा प्रीव्यू देख लीजिए। तो आपको सर VN ऐप को ओपन कर लेना। VN ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ नीचे प्रेस पर टैप करना है और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। आपको पहले इस वीडियो को ऐड कर लेना है। तो ये वीडियो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली थोड़ा सा इसको आगे यहाँ से ऑडियो पहले सबसे पहले निकाल लेना, उसके बाद वीडियो के थोड़ा सा आगे बढ़ाना। इसको यहाँ पर हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से ये वीडियो फोटो आ रही है, वहाँ से आपको इसमें कट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। इससे आपको आगे बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। उसके बाद जहाँ से फिर से फ़ोटो चेंज हो रही है, तो उसके बाद यहाँ से आपको फिर से कैंची पे मार देना है, तो ये कट जाएगी। फिर से आपको आगे जाना है। इससे जहाँ से फ़ोटो चेंज हो रही है, तो यहाँ से फिर से कट कर देना है। फिर से आपको यही पार्ट को, यहाँ से फ़ोटो चेंज हो रही है, तो यहाँ से आपको कैंची पे मार देना, ये कट जाएगी। इतना होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ फर्स्ट फ़ोटो में आना है। तो आपको इस फर्स्ट फ़ोटो में टैप करना है, रिप्लेस में जाना है। आपको जो भी फ़ोटो ऐड करना है तो आपको फ़ोटो यहाँ से ले लेना है, जिस भी फोल्डर में हो। अगर तो मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लेकर दिखा देता हूँ। तो मैंने एक फ़ोटो यहाँ से ले लेता हूँ। बस आपको फ़ोटो लेने के बाद आपको फिर से दूसरी फ़ोटो पे टैप करना है। इसके बाद फिर दो बार टैप करना है, इसके रिप्लेस में जाना है। वहाँ से आपको फिर से एक फ़ोटो ले लेनी है। तो मैं एक फ़ोटो और ले लेता हूँ। तो मैं आपको कुछ यहाँ इतनी सी ले लेना है। तो मैं आपको सारी फ़ोटो लगा के दिखाता हूँ जल्दी से। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर लास्ट बैकग्राउंड को आपको डिलीट कर ले देना है। तो यहाँ पर सारी फ़ोटो मैंने ऐड कर ली है। तो इसके बाद आपको यहाँ इफेक्ट्स में जाना है। जो भी आपको इफेक्ट लगाना है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो आपको जो भी इफेक्ट पसंद हो वो लगा देना। तो मैं यहाँ पर फिर से इफेक्ट में जाना है। तो मैं यहाँ पर इस फ़ोटो पे ये इफेक्ट लगा देता हूँ। फिर दूसरी फ़ोटो में जाना है, इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ से आपको फिर से एक इफेक्ट लगा देना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला एक इफेक्ट लगा लेता हूँ। फिर आपको इस फ़ोटो पर टैप करना है। फिर ये बैक नहीं, यहाँ पर आपको इफेक्ट्स में जाना है। तो यहाँ पर मैं एक और इफेक्ट एनिमेशन लगा देता हूँ। इतना लगाने के बाद आपको इस तरह का वीडियो बनके स्टार्ट होगा, तो आप थोड़ा सा इस देख सकते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको यहाँ पर जो कि प्लस आपको दिख रहे हैं बीच में छोटे छोटे, तो आपको यहाँ थोड़ा सा आगे आना है। यहाँ ये वाले प्लस पर टाइप करना है और यहाँ पर इस पर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद या इस पर कर सकते हैं, तो मैं इसको नहीं करने वाला हूँ। पहला थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। उसके बाद आगे वाले प्लस पे आपको फिर से टाइप करना है, जो कि रह गया है मैं इस पर। इसके बाद इस पर टाइप करना है, यहाँ नीचे आल में सिलेक्ट कर देना है। तो ये सारा वीडियो में ऐड हो जाएगा फ़ोटो में। तो हमारा वीडियो बन के कुछ इस तरह का बन के रेडी हो जाएगा। आपको यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, जो कि आपकी गैलरी में ऐड हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना।